देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया. एक विंडो है, मतलब कमरे की विंडो है, उसमें से हीट अंदर बाहर जा रही है, कमरे के अंदर बाहर जा रही है. क्यों जा रही है? टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना. जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर गिवन है -5, आउटसाइड बहुत ठंड है -5, अंदर गर्म है, तो अंदर की गर्मी बाहर जाने की कोशिश करेगी ताकि अंदर ठंड हो जाए, तो ग्लास के विंडो में से पेनिट्रेट करेगी, कंडक्शन जिसे बोलते हैं. तो कह रहे हैं कि एरिया 1000 है और थिकनेस 0.4 है, तो इतना मोटा ग्लास है तो पेनिट्रेट करेगी 0.4, एक्स गिवन है 0.4, व्हेन टेम्परेचर इनसाइड इज 37 और आउटसाइड इज -5 और के आपको ग्लास का गिवन है, तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी कि क्यू बाई टी, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है. तो आपको एरिया पता है, आपको एक्स पता है, थिकनेस पता है, आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता है, 37 में से -5 या 42 के पता है. तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है? क्यू बाई टी. फॉर्मूला लगा लिया तो आपको इसमें के पता है, एरिया पता है, टेम्परेचर डिफरेंस पता है और एक्स पता है. सॉल्व करके आंसर यूनिट्स क्या बनेंगे? अब यूनिट्स देखने के लिए के यूनिट्स क्या हैं? के यूनिट्स किस में चल रहे हैं? कैलोरी. तो आपके इसमें यूनिट्स हीट के ऑटोमेटिकली किस में आएंगे? कैलोरीज पर सेकेंड. समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखें. स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू कॉपर सिलेंडर. तो स्टीम है जो कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस पे है और कॉपर सिलेंडर के अंदर पास की 10 एमएम थिकनेस है, मोटाई उसकी 10 एमएम है. ठीक, इतना मोटा सिलेंडर है एंड 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. तो सिलेंडर का एरिया भी गिवन है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, 200 है. वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट्स एट अ रेट ऑफ 150 ग्राम पर मिनट. तो वो कह रहे हैं अंदर स्टीम है, स्टीम कंडेंस हो जाएगी कहीं ना कहीं और पानी बनना स्टार्ट हो गया 150 ग्राम का पर मिनट. फाइन. टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस, अगर कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर गिवन है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन है, हो क्या रहा है एक्चुअल में ये समझो. इसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये आपके पास सपोज एक सिलेंडर है, ये रहा, और ये इसकी थिकनेस है, मोटा सिलेंडर है, इसकी थिकनेस है ऐसे. ठीक है, तो यहां पे आपने स्टीम पास की एट 100 डिग्री सेल्सियस. स्टीम है, अंदर क्या है? स्टीम है. ये पेनिट्रेट करके ना बाहर जाना चाहती है ताकि कॉपर के अंदर से निकल के बाहर चली जाए. बाहर का टेम्परेचर टी है, आपको बताना है बाहर का टेम्परेचर कितना है. तो हीट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम अंदर टू बाहर, यानी कि अंदर का टेम्परेचर हाई और बाहर का लो है, तो तभी हीट बाहर जाने की कोशिश कर रही है. लेकिन जैसी बाहर जाती है, जैसी यहां पर क्यू हीट जाती है, कितनी देर में? 60 सेकेंड में. क्यों? क्योंकि 150 ग्राम पानी बन रहा है इन 1 मिनट. तो यानी कि 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, टाइम को हम यहां पर 1 मिनट ले लेंगे. तो जैसी बाहर जाती है तो ये पानी बन जाती है. अब पानी बनने के लिए हीट रिक्वायर्ड कितनी चाहिए? क्यू इज इक्वल टू एम एल. और ये एम एल आ कहां से रहा है? ये स्टीम से आ रहा है. स्टीम जो है सिलेंडर के सर्फेस में से पेनिट्रेट करते हुए आ रही है हीट और वो पानी बन रही है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको अंदर का टेम्परेचर T1 पता है, आपको थिकनेस पता है सिलेंडर की कितनी है 10 mm, तो 1 सेंटीमीटर, एरिया पता है जिसमें से क्रॉस सेक्शन जिसमें से एंटर करेगी 150 ग्राम बन रहा है 1 मिनट में, तो टाइम 60 सेकंड है, K पता है और L पता है. तो एक काम करें, हीट अंदर से बाहर कितनी जा रही है? इतनी हीट जा रही है. और ये हीट किसके इक्वल होगी? ml, क्योंकि पानी बनने के लिए स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए हीट रिक्वायरमेंट कितनी है? ml. तो ml आएगी कहां से? स्टीम से आएगी. तो स्टीम ने इतनी दी और चाहिए कितनी? इतनी चाहिए. q is equal to ml, इक्वेट कर लिया. तो यहां से हीट आई अंदर से और इतनी हीट स्टेट जो मास है 150 ग्राम पानी बन गया, तो q is equal to ml लगा लिया यहां पे.
स्टीम नहीं जा रही, हीट जा रही है। हाँ हीट जा रही है, अंदर स्टीम का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है, बस ये मेंटेन है। हीट जा रही है, हीट गई और 150 ग्राम पानी को मिल गई। 150 ग्राम पानी जो जो था बाहर कोई जो जहां भी पड़ा होगा वो पानी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा बोलो कि जो अंदर की स्टीम है हाँ वही लिक्विड बन गई 150 ग्राम सिर्फ। तो ये पॉइंट क्लियर है, Q इज इक्वल टू एम एल और इसे इक्वेट करके T2 कैन बी कैलकुलेट। मतलब मेन तो कॉन्सेप्ट यही था कि जो हीट है इक्वल टू एम एल करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मुश्किल है इसमें, इमेजिनेशन मुश्किल है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये आसान है, इसको देखो प्लीज, बाकी इजी है। मेटल की रॉड है, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है। एक रॉड है, लेंथ गिवन है और डायमीटर गिवन है। कवर्ड विद अ नॉन कंडक्टिंग स्लैब, नॉन कंडक्टिंग इसलिए ताकि हीट उसकी सरफेस से उड़ ना जाए कहीं, अंदर ही अंदर जाती रहे और रॉड के अंदर ही अंदर हीट ट्रेवल करेगी। वन ऑफ इट्स एंड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो एक एंड कहां पर है 100 डिग्री सेल्सियस पे है और अदर एंड कहां पर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट उस रॉड में ट्रेवल करेगी, तो एक रॉड जो आपने ली उस रॉड में एक टेम्परेचर कितने 100 डिग्री सेल्सियस है और एक टेम्परेचर कितने 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट ट्रेवल करेगी 100 से कितना 0 तक ट्रेवल करेगी, ठीक है। इट इज फाउंड दैट 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट इन 5 मिनट, तो यहां पर क्या थी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी, तो आइस क्या हो गई मेल्ट। आइस मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए कितनी ml, q is equal to ml, अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना है आइस का तो हीट रिक्वायर्ड कितनी है ml, l फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट आएगी कहां से, ट्रेवल करती हुई आएगी, और ट्रेवल करती हुई हीट कितनी आएगी k a t1 minus t2 into time upon x, वो जो हीट निकाल लो उसको ml के इक्वल कर दो फिर से। ये देखो तो इसके अंदर 25 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है 5 मिनट में, तो फाइंड कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड पता है, टेम्परेचर डिफरेंस पता है, टाइम पता है, डायमीटर पता है, तो एरिया भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से। असली चीज क्या है इसमें, ये चीज है। तो हीट ट्रेवल करेगी 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्मूला वेर एक्स इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ये स्टेप क्लियर है, और ये किसके इक्वल होगी एम एल, ठीक है। तो जो हीट आएगी उसने आइस को मेल्ट कर दिया इज इक्वल टू एम एल। आपको के निकालना है, तो आपको मास पता है आइस का 25 ग्राम मेल्ट हुई और लेटेंट हीट आइस की 80 है, तो 2000 कैलोरी, तो एम एल की जगह 2000, एक्स पता है, सब कुछ पता है, यहां से आपके पास के की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है इसमें। तो हीट को ट्रेवल करवाना है 100 से 0, इतनी हीट ट्रेवल करवा देनी है और वो हीट पानी को आइस को दे देनी है ताकि आइस मेल्ट हो जाए बाई क्यू इज इक्वल टू एम एल, तो ये हीट एम एल के इक्वल कर देनी है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, क्वेश्चन है टू मेटल क्यूब्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज आर अरेंज्ड एज शोन। तो ये मेटल के क्यूब्स हैं ए एंड बी, साइज सेम का मतलब एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है इनकी। एक साइड को मेंटेन किया 100 डिग्री सेल्सियस और एक को 0, तो हीट कहां से कहां जाएगी 100 से 0 पे जाएगी। आगे द एक्सट्रीम एंड ऑफ कॉम्बिनेशन मेंटेन्ड पता है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पता है। After steady state is reached, steady state क्या समझाया था, Q by T की value दोनों rods में will remain same, heat flowing per second दोनों में same रहेगी। Steady state is reached, आपको interface का temperature T बताना है क्या होगा, तो दोनों का जो common temperature phase का T वो आपको बताना है क्या होगा। क्या point clear है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो कुछ भी नहीं करना, आप इसके लिए Q by T निकाल लें, इसके लिए Q by T निकाल लें और दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है।
तो इसका क्यू बाई टी क्या होगा, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस कितने हैं 100 माइनस टी, और लेंथ मान लेते हैं एक्स, तो इसकी भी एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स, और सेकेंड वाले का क्यू बाई टी क्या होगा के टू, एरिया और एक्स इसका भी सेम है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा इसका टी माइनस जीरो। इक्वेट कर दें, इक्वेट करके आपके पास अपने आप के वन के टू के वन है, टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक। मिलता जुलता क्वेश्चन आगे भी आएगा, ये देखो, हाँ ये वाला, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। क्वेश्चन है, थ्री बार्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया और लेंथ सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक, देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो 2, 4, 3, तो ये 2K, 4K, 3K, इफ ओपन एंड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट बार एट आर एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस एंड 18 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ बोथ द जंक्शंस। तो ये 200, ये 18, आपको टेम्परेचर बताना है इसका और इसका कितना होगा। तो मान लो ये टेम्परेचर थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो ये क्या है 2K, 4K और 3K, एक्स 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 स्टेडी स्टेट है हमेशा, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्यू बाई टी इसमें इसमें और इसमें एग्जैक्टली सेम, तो इसमें क्यू बाई टी क्या होगा के 2K इंटू एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस थीटा वन बाई एक्स, इसमें कितना होगा 4K, एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एक्स, इसमें कितना होगा 3K, एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा टू माइनस 18 अपॉन एक्स। इन्हें इक्वेट कर लेना, इक्वेशन आएगी, इसे सॉल्व करके थीटा वन एंड थीटा टू कैन बी कैलकुलेटेड, यहां से आंसर निकाल लेना। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है?